हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने सेपरेबल वेरिएबल मेथड को पढ़ा, ठीक है ना। आज से का जो टॉपिक हम लोग का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जे बोर्ड में आता ही आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। इसमें तीन टाइप का होता है, क्या होता है कि dy / dx बराबर होगा fxy / gxy, where fx and gx are homogeneous function of x and y of same degree। मतलब ये homogeneous function तब होगा जब x और y दोनों का degree क्या होगा, same होगा, मतलब दोनों का degree बराबर होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको कि वो जो differential equation है वो हमारा क्या है, homogeneous differential equation। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है homogeneous का definition ऐसा होता है कि अगर कोई differential equation इस form में है fx / gx का फॉर्म है, तो उसको होमोजेनियस फंक्शन तब बोलेंगे जब उसमें x और y का जो डिग्री होगा वो दोनों डिग्री क्या होगा, सेम होगा। सेकंड में आप लोग क्या कह सकते हैं कि इफ अगर मैं x के जगह पर x की डाल देता हूं और y के जगह पर y डाल देता हूं, अगर वो कोई t का पावर कुछ लेके बाहर आए, t का पावर n के जैसा बाहर आए, तो अगर वो देन fx इज द होमोजेनियस ऑफ डिग्री n, मतलब अगर यहां पर पावर 2 है तो 2 डिग्री का होमोजेनियस हो जाएगा, पावर 3 तो 3 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा ना। तो अगर हम लोगों को ये पता कर लें कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू फॉर्म dy / dx बराबर fxy / x, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे y / x में, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे कि y / vx, और उसके बाद एंड रेंज y, उसके बाद हम लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे ना। चलो देखिए यहां पे सॉल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने क्या बताया कि अगर x और y की डिग्री सेम होगा तो क्या करेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेगा। तो देखिए यहां पे ये dy / dx इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर + y स्क्वायर / xy है, नहीं xy है, ठीक है ना। यहां पर 2 दिया हुआ है तो 2 भी 2 है, ठीक है ना, ये xy है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो आप हम लोग बताइए कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये होमोजेनियस है? तो होमोजेनियस है क्या नहीं, वो तो पता करने की चीज है। पहला क्या होता था कि हम देखेंगे कि x और y की डिग्री हर एक जगह समान है, तो ये x की डिग्री यहां पर है, यहां पर भी 2 है, और नीचे तो x की डिग्री और y की डिग्री 2 नहीं है, है ये दोनों मल्टीप्लाई में x प्लस अगर y होता तो डिग्री नॉर्मल होता, लेकिन x इनटू y है, इन दोनों का डिग्री ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा डिग्री 2, मतलब xy का डिग्री ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मान लीजिए ये फंक्शन हो गया हमारा xy, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और 2xy हो जाएगा, ठीक। अगर हम पुट करें x के जगह पर xt और y के जगह पर yt, देखिए सेकंड वाला से कैसे पता करते हैं हम लोग, तो अगर ऐसा बन के आया तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। देखिए आप तो हो जाएगा x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर t स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2xt और yt, नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा t स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनेगा, और नीचे भी तो t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे कितना बन रहा है, देखिए तो आपका 2xy, तो आप देख सकते हैं कि ये t स्क्वायर बाहर आया और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, fxy मिल रहा है। इसका मतलब ये होमोजेनियस है, और कितना डिग्री का होमोजेनियस है, 2 डिग्री वाला होमोजेनियस है। या फिर हम लोग देख करके ही पता कर लेंगे कि कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा लीनियर है, क्योंकि होमोजेनियस का मतलब हो जाएगा कि जिसके पास डिग्री क्या होगा, समान होगा, मतलब तो सर कि होमोजेनियस हम लोग डिग्री 1 वाले भी बोल सकते हैं, बिल्कुल भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री वाले को भी हम लोग होमोजेनियस भी बोलते हैं और लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास यहां पर आप देखिए कि x का भी डिग्री 2 है और y का भी डिग्री 2 है, नीचे भी x का डिग्री 2 है, इसका मतलब व्हिच इज होमोजेनियस फंक्शन, देखिए यहां पर which is homogeneous differential equation लिख दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद second step क्या करेंगे, इसको करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको convert करेंगे, कैसे ऐसे convert करेंगे, y / x वाला term, तो y / x वाला term कैसे लिखेंगे, therefore dy / dx is equal to x square plus y square बटा 2xy, ऐसा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लेंगे, y / x का टर्म लेंगे, ऊपर से अगर हम x स्क्वायर x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 / y स्क्वायर / x स्क्वायर हो जाएगा, मैंने जान नहीं है वहां, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्या किया आपका लोगों ने,
डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दिया, नीचे से देखिए तो नीचे तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो नीचे अगर आपको x स्क्वायर x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो x स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, तो देखिए नीचे भी हमारे पास, यहाँ से अगर आप x स्क्वायर x से डिवाइड कर देता हूँ तो हो जाएगा टू एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा। देखिए सर यहाँ पे ये x स्क्वायर x नहीं किया मैंने, नीचे क्या किया, नीचे x स्क्वायर x कॉमन लिया, तो नीचे तो x स्क्वायर x था ही नहीं, तो जब हम कॉमन लेंगे जिसके पास नहीं होता उसको देना होता है, तो यहाँ पर टू एक्स वाई के पास x स्क्वायर भी था, तो x स्क्वायर x बाहर भी ले लिए और x स्क्वायर x से उसको क्या कर दिया, तो डिवाइड भी कर दिया ना। तो जब ऐसे करने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, देखिए यहाँ x स्क्वायर, ये तो x स्क्वायर बन गया ना, और यहाँ पर 1 प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऐसा ऐसा होगा। अब बटा देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, हम इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इस स्टेप को मिटाते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, हमें कैसा हो जाएगा, x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, दोनों तो सेम है, नीचे देखिए तो x स्क्वायर x है इनटू 2x, एक x कट जाएगा ना y यहां से, x x तो कट जाएगा, तो बचेगा 2 into y by x, ऐसा नहीं बचेगा, और ये x इससे इसके साथ कट जाएगा, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 बटा y by x का होल स्क्वायर बटा 2 into y by x। अब हमें विच इज द फॉर्म ऑफ, हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विच इज द फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया कि विच इज, ठीक है ना, विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ कैसा है, dy/dx इज इक्वल टू fy / x के फॉर्म में आ गया, नहीं अब जैसे ऐसे आया उसके हम लोगों को लास्ट में क्या करना है, पुट कर देना y / vx, ठीक है ना। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, पुट y = vx, ठीक है, y / vx पुट करेंगे, यहां से y / x / क्या हो जाएगा, v नहीं आएगा, ये x से डिवाइड कर देंगे, दोनों का। अब ध्यान दें यहां पर हम लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना x से, इसका इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy/dx, v को छोड़ेंगे x का डेरिवेटिव 1, अच्छा अगर x को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव कितना होगा, dv/dx। अब हम मेरे पास dy/dx की वैल्यू जो आ गई वो v + x dv/dx आ गया, ऐसा आ गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम बिकम्स इक्वेशन 1, इसको हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो हमारे पास dy/dx में जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, नहीं तो यहां पे चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बिकम्स इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, dy/dx इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 बटा y by x का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 2 by y by x, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे हम लोगों ने dy/dx का वैल्यू यहां पे निकाला, कितना निकाला भाई, v + x into dv/dx इज इक्वल टू में 1 + y by x को हम लिख सकते हैं, y by x को v लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 2v। अब देखिए यहां पर अब हमारे पास अब ये कैसे बिहेव करेगा, अब ये बिहेव करेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, देखिए यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल v है और दूसरा वेरिएबल मेरा x है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, कैसे, x dv/dx इज इक्वल टू 1 + v स्क्वायर / 2v, ये v इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एलसीएम करना आता है हम लोगों को, तो 1 + v स्क्वायर - v * 2v बटा कितना हो जाएगा 2v, इसका मतलब 1 + v स्क्वायर - 2v स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2v, आगे किसके बराबर है, x dv/dx के बराबर है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, देखो यहां से हम लोग पास आ गए x dv/dx, थोड़ा ये लंबा पड़ता है, 6 मार्क्स का आता है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, एक दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 2 भी, ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस 1 भी चला जाएगा, मतलब माइनस हमारे पास 2 भी है और 1 भी प्लस में, तो 1 भी बचेगा ना। अब हम लोग यहाँ क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, माने भी वाला जो है वो dv के पास चला जाएगा और x वाला वो dx के पास चला जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं,
ये हो जाएगा dx, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे ये भी इधर टू भी इधर भागा है बराबर, तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा मतलब तो नहीं, लेकिन ये भी तो गुणा है तो नीचे कैसा हो जाएगा v2 कहते हैं इधर कहते हैं dx बटा नीचे x। ये बात समझ में आया, समझ में एक बार फिर से देखिए यहां पर x बराबर का इधर में गुणा में है तो बराबर का उधर ले जाऊंगा दूसरा ले जाऊंगा तो ये भागा में चला जाएगा, और जो इधर भागा में था इधर लेंगे तो गुणा में, माने ये आकर के जो इधर भागा में था वो गुणा हो गया, जो भाग गुणा में था वो भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां पर देखा कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, तो अभी आपको पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल कैसा आ गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड जैसा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया इंटीग्रेशन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो 2b 1 माइनस b स्क्वायर ये कितना हो जाएगा dv नहीं, और ये कैसा हो जाएगा देखिए आपका ये कैसा हो जाएगा dx dx बटा कैसा हो जाएगा x, ऐसा होगा कि नहीं ऐसे ही बनेगा मेरा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये जो वैल्यू आ गया अब हम लोग यहां पर क्या करना है, ये जो आपका लॉग है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, डेरिवेटिव ऊपर में है क्या नहीं, अगर मान लीजिए यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस है छोड़ दो माइनस, अगर कॉमन ले तो टू ग्रेड हो जाएगा क्योंकि नीचे डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, एक काम करते हैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले, ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे आप देखिए अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2b इज इक्वल टू डीटी अपॉन डीबी, तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा डीटी बाय 2b, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए फाइनल जो आपका है वो इंटीग्रेशन में ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका वन बटा टू बी, टू बी आ जाएगा टू बी टू बी, और डी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा डी बी आ जाएगा टी, और dv का वैल्यू हो जाएगा आपका dt माइनस 2b इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा dx अपॉन x, ऐसा होगा 2b 2b कट गया तो इधर कितना बच गया इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन v सॉरी t, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x, इस माइनस को अगर उधर ले जाऊंगा तो इधर को दिक्कत नहीं, तो कैसा हो जाएगा माइनस log t और प्लस log x होगा, और प्लस का यहां पे log से देना एक काम करें। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस को यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ज्यादा इजी हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिए अगर मैं माइनस यहाँ पर है इस माइनस को इधर ले जा सकता हूँ यहाँ पर देता हूँ ये बोला माइनस में इधर सेट कर दिया, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा लॉग मोड टी इज इक्वल टू लॉग माइनस यहाँ पे मोड ऑफ एक्स प्लस का लॉग सी, तो कैसा हो जाएगा देखो लॉग इधर लेंगे लॉग टी प्लस का लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस लॉग सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग t into x is equal to log c, कौन सा फॉर्मूला से लिखते हैं log m into log n वाला फॉर्मूला से ना, log m into log n का मतलब करता है log m plus log n, ये log log खत्म हो जाएगा t x plus का c, t का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना, t का वैल्यू देखिए हम t का वैल्यू कितना माना है, t का वैल्यू कितना माना 1 minus b square into x plus c, ठीक है, और v का वैल्यू हम लोग माने थे, v का वैल्यू कितना देखिए यहां पे v का वैल्यू हमारे पास y / x का, तो पुट कर दीजिए पुट कर दीजिए कितना पुट करेंगे हम y by x ना, तो जब हम y by x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 minus y square बटा x square into x plus का c, नहीं होगा LCM करेंगे तो x square minus y square बटा x square into x plus का c, ये को x कट जाएगा तो x square minus y square हो जाएगा, ये x ये को बचा उधर जाएगा तो cx, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या मतलब फाइनल आंसर आ गया नहीं, तो हम लोग होमोजेनियस में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पता करना कि होमोजेनियस है क्या है, तो हमें यह पता करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप अगर पहचान लोगे कि दोनों का डिग्री x और y का डिग्री अगर हर एक जगह समान है तो वो होमोजेनियस होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये होमोजेनियस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर x के जगह पर xt और y के जगह पर yt पुट कर देंगे, अगर t का वैल्यू t का पावर को सेम लेके आया ऊपर और नीचे दोनों से तो जो क्या कहलाएगा होमोजेनियस कहलाएगा, और जैसे समझ आए कि होमोजेनियस है हम लोग y बराबर vx पुट करेंगे, और फिर वहां से हम लोग dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल के आपस में पुट करेंगे, पुट करने के बाद वो आ जाएगा सेपरेबल वैल्यू मेथड में, सेपरेबल वैल्यू मेथड से उसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट आंसर, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसका होमोजेनियस है।
और ये एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।